देखो ना, एक तरफ वो बंदा मर रहा है, एक तरफ डेथ है ना, और एक तरफ खतरे वाली जिंदगी है, तो डॉक्टर विल चूज डेथ और द खतरे वाली जिंदगी। ये इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, दीज आर इम्यूनो सप्रेसेंट, मीन्स वो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को सुला देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर लीगली ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यू कैन सी हाउ मेनी थिंग्स दे नीड्स टू कंपेयर विद ईच अदर अपार्ट फ्रॉम द ब्लड ग्रुप। दे क्रॉस मैच सो मेनी थिंग्स टू टेस्ट टू सी वेदर अ किडनी इज एबल to retain in the recipient's body or not. The recipient body will try to reject that stuff because this stuff do not belong to that person's body. जैसे install करते हैं, whatever जितना भी matching level है, recipient body उसको reject कर देती है because these cells do not belong to that person. तो immune system उसको detect करेगा either antigen and will start fighting against the kidney. At this time, the surgeons and the doctors, they give the recipient body a drug called cyclosporine or something like that. इसी तरह की कोई ड्रग है और इसके इसी तरह की और ड्रग्स देते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, दीज आर इम्यूनोसप्रेसेंट, मीन्स वो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को सुला देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, ताकि द इम्यून सिस्टम शुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, शुड नॉट बी एबल टू सेंस दैट समथिंग न्यू इज देयर। दैट इज वेरी क्रिटिकल। If you can recall, huh? जब किडनी ट्रांसप्लांट किया ना, ताकि वो किडनी को एक्सेप्ट कर ले, तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ इस दौरान जब उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, गैस करें उसकी जिंदगी कितनी डेंजर में, वो सिंपल वायरसेस से भी मर सकता है, वो सिंपल कॉमन पैथोजेंस के साथ भी बीमार हो सकता है। एट दैट टाइम, दैट वॉज द टाइम जब डॉक्टर उसको बता रहे होते हैं कि आप पेशेंट ने किससे कम्युनिकेट नहीं करना, लोगों से मिलना नहीं है, हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखनी है। Why reason? Why? Because its immune system is not normal anymore. So one thing is that how we able to detect the cells. किसी ने चैट में कुछ पूछा है, डायरेक्ट मैसेज में पूछा है। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने अभी कहा कि ड्रग जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, तो ये फिर ड्रग क्या लाइफ लॉन्ग चलेगी, या फिर अगर इस ड्रग को देना छोड़ दे तो फिर तो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर लेगा ना, दोनों रिजेक्शन की आ जाएगा फिनोमेना। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की बॉडी कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स द न्यू ऑर्गन। डॉक्टर इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, और अगर पेशेंट की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आप समझेंगे ये लाइफ लॉन्ग जाएगी। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज किडनी के बगैर सर्वाइवल नहीं है। किडनी से आप उसको जिंदा रखेंगे, और फिर उसके बाद हाइजीनिक कंडीशंस को तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से लोग ये डील करते हैं, डॉक्टर्स ये डील करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स की बॉडी आफ्टर सम टाइम, 6 months और वन ईयर के बाद, इज एबल टू अडॉप्ट दैट किडनी, तो उसके बाद फिर ये डॉक्टर लोग ग्रेजुअली से कम करना शुरू कर। जी तो सर, जब हम इम्यूनो सप्रेशन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो फिर और डिजीज के साथ भी सस्पेक्टेबल है, क्योंकि बिल्कुल फिर ठीक वो कह और रहे डिजीज के लिए भी एंटीबायोटिक्स लेगा, तो बिल्कुल वो ठीक कह वर्क रहे ही नहीं कर रहा इम्यून सिस्टम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं द पर्सन विल बी इन इन ए पोजिशन के उसको बहुत ज्यादा बीमारियां होंगी, उस होने के चांसेस होंगे। लेकिन आप देखो ना, एक तरफ वो बंदा मर रहा है, एक तरफ डेथ है ना, और एक तरफ खतरे वाली जिंदगी है, तो डॉक्टर विल चूज डेथ और द खतरे वाली जिंदगी। तो डॉक्टर क्या चूज करेंगे? इट मेक सेंस कि वो खतरे वाली जिंदगी चूज करेंगे। दे विल गिव अ चांस टू द पेशेंट कि जनाब अपनी जान बचा लो, ना आवारा गर्दी करो, ना उल्टी सीधे चीजें खाओ। तो दैट इज वन वे, यानी कि ये आप ये कह सकते हैं कि इम्यूनो सप्रेसेंट It's not a good thing, but on the other side, बंदा मर भी तो रहा है ना, तो उसको जिंदा रखने के लिए जो है ना वो ये काम करते हैं।